दर्शक, ये धरना स्थल खुले हैं जहाँ पे किसान रोज बैठ रहे हैं और कई सारे जगह पे अनशन भी वो डिक्लेयर कर चुके हैं। ऐसा ही लड़ाई चल रहा है। कल जो मोदी सरकार और कॉर्पोरेट घरानों के पुतले जलाने का कार्यक्रम होगा वो भी दोनों राज्यों में होगा, और दिसंबर 8 का भारत बंद जो है वो भी होगा। और हम ये भी एक कोशिश कर रहे हैं कि शहर के लोग जो होते हैं, जो किसान नहीं है लेकिन पूरी एक सिंपथी के साथ इस स्ट्रगल में को देख रहे हैं, उनको भी इस स्ट्रगल में शामिल करने का बहुत सारे कार्यक्रम हम प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे साइकिल रैली हर एक शहर में हो सकता है, वो हैदराबाद में प्लान कर रहे हैं। और अंत में ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो लड़ाई चल रही है वो पूरी देश की लड़ाई है। तो ये सरकार इसको जो डिवाइड एंड रूल का जो रवैया अपनाना चाहती है उसको हम पूरी तरह से डिफीट करेंगे। शुक्रिया। रविंदर सिंह जी, राजू, दीप सिंह वाला, दो एक एक मिनट। राजू रविंदर सिंह, दीप सिंह वाला। तो एक गल है कि मैं हिंदी में बोलूं? हाँ। तो ये बात है कि जहाँ पर हमारा आंदोलन पहुँच गया है तो एक बात अब क्रिस्टल क्लियर है कि हम एक बड़ी इतिहास की जीत की ओर बढ़ रहे हैं और मोदी सरकार एक बड़ी इतिहास का हार की ओर बढ़ रही है। और कल जो मीटिंग होगी उसमें बिल्कुल जो डिस्कशन डिबेट है इन लॉज पर, जो क्लॉज वाइज जीत की बात थी वो कल ओवर हो चुकी है। अब दो टुक बात होंगी, कल यही पूछा जाएगा कि आप कानून रद्द कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सिर्फ कोई डिस्कशन नहीं होगी, सिर्फ इसी बात पर बात होगी। और मोदी सरकार सिर्फ इसीलिए अड़ी हुई है, कानून का उनको भी पता है कि ये एंटी पीपल है, एंटी फार्मर है। हम मानते हैं कि ये ट्रिपल लॉज है, जो ये ट्रिपल मर्डर कॉन्स्पिरेसी है जो किसान का, मजदूर का और कस्टमर का कत्ल कर देगी। मोदी सरकार सिर्फ इसलिए अभी पीछे नहीं हटना चाहती कि इस कानून खत्म होने के साथ ही मोदी जो ऑरा है वो भी खत्म हो जाएगा। एक जो दहशत का राज उन्होंने 7 साल में उसारा था वो भी इसके साथ चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन जितना बड़ा जन समर्थन इस आंदोलन का है, ये सिर्फ किसानों का नहीं, जन आंदोलन बन चुका है। और 7 साल में जितनी तानाशाही उन्होंने देश में बनाने की कोशिश की है, इस आंदोलन की जीत के साथ वो सारी की सारी अब समाप्त होने जा रही है। रणजीत सिंह, राजू, राजस्थान तो आए ने जी। साथियों, जय किसान। साथियों, ये जो आंदोलन है पूरे देश का है और देशव्यापी है। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं, नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं, उसके बावजूद भी कम से कम 2000 की संख्या में किसान यहां पहुंचे हैं। और परसों ही भारतीय किसान संघ के हनुमानगढ़ के जिलाध्यक्ष चरणजीत सिंह ने इस्तीफा दिया और हमारा संगठन ज्वाइन किया, और कल को 25 किलोमीटर किसान लेकर वहां रवाना हो रहा है। साथ में उसके साथ तक जा रही है। आज बार काउंसिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हम वहां गए थे, एचएस गुरकर के माध्यम से दुष्यंत दवे जी, उन्होंने इस आंदोलन को पूरा समर्थन दिया। और उच्च कोटी के वकील हैं, उन्होंने भी कहा ये कानून जन विरोधी है, सरकार को इन्हें वापस लेने चाहिए। साथियों, आने वाले 3-4 दिनों में अगर सरकार अपने अड़ियल रवैये पे अड़ी रही और जन भावना को ना समझा तो कुछ भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जो भी स्थिति उत्पन्न होगी उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। सरकार को अब भी समय रहते जन भावनाओं को देखते हुए तीनों कानून वापस लेने चाहिए और आगे की बात करनी चाहिए कि किसान और क्या चाहते हैं। जो किसान चाहते हैं उसकी बात करो, 3 कानून तरह करवाने ही करवाने हैं। इसके कम नॉन नेगोशिएबल ये हमारी मांग है, इस पर कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, यही हमारी मांग है। माननीय पत्रकार बंधु, सबको नमस्कार। एक तो परसों जो है बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, वो आपके पास आई थी, नहीं चेक नहीं किया, मैंने किया था, मैंने उसको दिया था दक्षिण पाल जी को, तो इस पर पत्रकारों को इसे कर दूँ, वो अभी तक हो नहीं पाया। और दूसरा, आज जो एसोसिएशन के प्रधान हैं दुष्यंत खरे जी,
हाँ दुष्यंत दबे जी हैं और एच एस फुलका जी हैं, उन्होंने इस आंदोलन का हमारी मांगों का समर्थन किया और हम धन्यवाद भी करना चाहेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल का और सभी हमारे वकील भाई और दूसरे जो भाई समर्थन दे रहे हैं, बहुत सी संस्थाएँ समर्थन दे रही हैं, उन सबका धन्यवाद करना चाहेंगे। और एक हम बात स्पष्ट कर देते हैं कि तीनों जो नए कानून बनाए हैं वो उसके साथ ये नहीं है कि तीनों कानून वापस हो जाए और आंदोलन समाप्त हो जाए, तीनों कानूनों के साथ एमएसपी की गारंटी का कानून पे हमारी 23 फसलें हैं, वो 23 फसलें एमएसपी पर बिके, उनको सरकार खरीदे उनको कोई खरीदे, लेकिन हमारी टोटल की टोटल बिके, बिकने की गारंटी और एमएसपी पर बिके इसकी गारंटी, इसके नीचे हमारा कोई फैसला कल नहीं होगा। और कल बात मानी जाए तो ठीक है और वरना तो फिर जो है जो अगले प्रोग्राम दिए हैं वो तो हमारे भाइयों ने बता दिए हैं, लेकिन अगर ना मानी तो उसके बाद फिर पंचायत करके फिर मीटिंग करके इस आंदोलन को और तेज किया जा सकता है। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि हमारे आज के अध्यक्ष जी ने बताया, आज दो मीटिंग है, सुबह पंजाब के तमाम जो 30 संगठन है उनकी बैठक हुई, उसके बाद देश भर से दूसरे जो किसान संगठन आए हुए सबकी बैठक हुई और इन दोनों बैठकों में सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि कल का जो पहले से प्रस्तावित है मोदी सरकार का पुतला दहन का कार्यक्रम पूरे देश में किया जाएगा। और जो नया कार्यक्रम दिया गया है वो ये है कि 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया जाएगा। अध्यक्ष जी ने एक दूसरा प्रोग्राम भी बताया मगर उसके लिए फाइनली तय हुआ था कि उसकी डेट डिफरेंट होगी। हमने ये भी सोचा है कि 8 तारीख के बाद एक दिन ऐसा रखा जाएगा जिस दिन पूरे देश के तमाम नाकों को टोल फ्री कर दिया जाएगा, लेकिन वो तारीख 8 नहीं होगी, फाइनली फैसला हुआ है कि उसके बाद एक डेट अनाउंस होगी, तब तक हम आपको डेट बताएंगे। जैसा कि साथियों ने बताया, इसको पूरी सर्वसम्मति है कि किसी तरह के कोई संशोधन का मामला नहीं है, हम तो बिल्कुल खारिज करवाना चाहते हैं तीन कानूनों को और एमएसपी हमारी बुनियादी डिमांड में से एक है। जैसा मैं सिर्फ एक दो सूचना और दे दूं आपको, जैसा हमारे युवा साथी ने बताया, अब ये जन आंदोलन बन गया है, अब ये सिर्फ एक किसान आंदोलन नहीं है। आज देश की ट्रेड यूनियंस की जो सबसे बड़ी फेडरेशन, उन 10 फेडरेशन में आके, 10 ट्रेड यूनियन नहीं, ट्रेड यूनियन की जो फेडरेशन है, एक एक फेडरेशन में सैकड़ों ट्रेड यूनियन है, उन 10 ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने आके अपना सपोर्ट यहाँ पे हमें जाहिर किया है किसानों को। इसमें एटक, इंटक, सीटू, यूटीयूसी, यूटीयूसीआई, एचएमएस और तमाम ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। ये हर बहुत बड़ी बड़ी फेडरेशन है, 10 फेडरेशन ने हमें सपोर्ट जाहिर किया है। कर्नाटका में किसानों ने तय किया है कि 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक वो विधानसभा के सामने धरना देंगे इन्हीं कानूनों के खिलाफ। 7 तारीख से 15 तारीख तक कर्नाटका के जितने किसान संगठन हैं सबने मिलकर ज्वाइंट फैसला लिया है, वो वहाँ पे धरना दे रहे हैं। कल से महाराष्ट्र के जो 8 डिविजनल हेडक्वार्टर हैं, बड़े बड़े हेडक्वार्टर जैसे पुणे है, औरंगाबाद है, जितने भी बड़े डिविजनल हेडक्वार्टर हैं, सब पे किसानों का परमानेंट पक्का धरना वहाँ से शुरू हो रहा है कल महाराष्ट्र में। तमिलनाडु में भाई साहब ने बताया कार्यक्रम चालू है। पश्चिम बंगाल में कल पूरे प्रदेश में रास्ता रोको का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि खबरें आ रही हैं, मैंने खासकर उन स्टेट्स को हाईलाइट किया है जहाँ की खबरें आमतौर पर नहीं आती, कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश की खबरें तो हम देखते रहते हैं, लेकिन ये आंदोलन अब पूरे देश में फैल रहा है और इस जन आंदोलन के सामने किसी सरकार की हिम्मत नहीं,
कि वो टिक सके। हम खाली चाय पे चर्चा नहीं करने जाते। कल किसानों ने दिखा दिया कि हम तो चाय भी अपनी लेके जाते हैं, खाना भी अपना लेके जाते हैं। और अब चाय पे चर्चा का दौर खत्म हो गया, अब है एक निर्णायक दौर पे पहुंच गया है आंदोलन, और इस निर्णायक दौर में आर पार की लड़ाई है। कोई सवाल? हमारे साथी ने जिक्र किया, आपको पता लगा होगा कि हमारे सीनियर आगू राजेवाल साहब जो आमतौर पे होते हैं हमारे साथ, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अभी आते आते मेरे को अच्छी खबर मिली है कि डॉक्टर ने उनको ऑल क्लियर दे दिया है। तो हमारे साथ होंगे बलबीर सिंह राजेवाल जी, हमारे सीनियर मोस्ट के लिए हैं। तो उनके बारे में अच्छी खबर ये है कि चिंता की कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने उनको ठीक बता दिया है, वो हमारे साथ ही ज्वाइन करेंगे। कोई सवाल हो तो चेयरमैन साहब। योगेंद्र जी, सर एक सवाल, आप लोगों ने जो प्रेस स्टेटमेंट इशू किया है उसमें कहा है कि आप सरप्राइज हैं अमित शाह और अमरिंदर सिंह की मीटिंग के बाद, जिसमें उन्होंने म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात की है, उस पर बता दीजिए सर क्या हुआ है। सानू के बारे कोई पता नहीं कि मीटिंग जोड़ी हुई है। अमित शाह और अमरिंदर सिंह के जो मीटिंग के बाद कॉलिंग टूस की बात की सर, उस पर ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति का जो स्टेटमेंट आया है वो ही बता सकते वो उनका अपनी जानता है, उनकी कमी होगी उसका इस आंदोलन से और किसान संगठनों से कोई लेना देना नहीं। ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खतरा नहीं दो महीने तो चला रहे हैं, किसी का एक पैसे का हमने नुकसान नहीं किया, किसी को हमने मारा नहीं किया, कोई सिक्योरिटी का खतरा नहीं किया। अब भी बैठ के सीधे तौर पर कहेंगे ऐसी कोई गल नहीं, उन्होंने हम करनी सुननी नहीं, अभी कहेंगे जे तक कानून वापस ले लो ठीक है, नहीं अभी वापस आ जाए। कल भी बैठक तो बाद और बैठका भी होने, ये गृह मंत्री ने कहा इंटरव्यू से कैप्टन साहब को वहीं से मूवमेंट चला है, और कैप्टन साहब ने अच्छी तरह देखा है कि महीनों किसान बैठा रहा, किसी के एक पैसे का नुकसान नहीं किया, किसान बड़े डिसिप्लिन दे गए, वहाँ दिल्ली तक आया। सरकार ने तो किसानों को टॉर्चर किया, लेकिन किसी किसान ने पलट के जो है किसी की तरफ उंगली नहीं उठाई है, अपने आप में साबित करता है कि किसान जो है बिल्कुल अहिंसा में विश्वास करता है और अहिंसात्मक तरीके से ही किसान जो है खत्म करेगा। लखवा साहब जे कल की मीटिंग सक्सेसफुल नहीं रहती तो आगे मीटिंग, वो तो निर्णय हम लेंगे, लेकिन अब समय आ गया है कि निर्णय फैसला लेने का, मीटिंग करके और उसमें वही बातें रात के तीन पांच वाली बात है। हम सरकार को बता चुके हैं कि सरकार इन कानूनों को वापस किए, उसमें किंतु परंतु की बात नहीं है, सरकार को निर्णय लेना है, बार बार उसको लंबा खींचने से कुछ होने वाला नहीं है। किसान ने मन बना लिया है कि इसमें रत्ती भर भी हम एक कदम भी पीछे नहीं हटे। कल हम जाके उनको बता देंगे कि बार बार इसको लंबा खींचने का कोई औचित्य नहीं है, बातचीत वहाँ होती है जहाँ कोई नेगोशिएशन की बात हो, यहाँ नेगोशिएशन कुछ नहीं है, एक दूसरी मांग है कि तीनों कानून वापस लिए जाए, MSP के खरीद की गारंटी सुनिश्चित की जाए, चाहे वो MSP चाहे वो खरीद सरकार के द्वारा हो या किसी प्राइवेट व्यापारी के द्वारा हो, MSP से कम से कोई भी खरीद कानूनी जुर्म माना जाए और उससे
एफआईआर सारा जो जो आदमी है सर कल जदों खेतीबाड़ी मंत्री ने इंटरनेट से गल की थी जदों कल खेतीबाड़ी मंत्री ने इंटरनेट से गल सवाल नहीं जदों जदों एक मिनट जदों 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 खेतीबाड़ी मंत्री ने जदों कल खेतीबाड़ी मंत्री ने बोलिया भी ठीक है हम इसमें संशोधन कर देंगे इसको बदलाव नहीं अभी करेंगे हमने कहा हम तो वापस करवा के जाएंगे हम इसमें अमेंडमेंट नहीं करवाएंगे वो तो कहने किसी चीज़ का मर्जी करवा जो कर दो सरकार का कहीं ना कहीं अहंकार झलकता देश का किसान जो है दिल्ली में बैठा हुआ इस सर्दी में इस विपरीत परिस्थिति में अपने खेत का काम छोड़ के यहाँ बैठा और पिछले रविवार को जो प्रधानमंत्री ने मन की बात की तो मन की बात में उन्होंने कहा कि किसान समझ नहीं रहा उसको समझाने की जरूरत है ये अपने आप में उनके अहंकार को दर्शाता अहंकारी व्यक्ति जो है वो कुछ भी कर सकता और कुछ भी कह सकता उनको कहना चाहिए था कि इतनी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ आए हैं निश्चित तौर पे हमसे कोई चूक हुई होगी और हम खुले मन से उसको सुनेंगे और सुधारेंगे लेकिन उसके बाद बनारस में फिर वो दूसरे दिन बयान देते हैं और फिर उस बात को दोहराते हैं एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि MSP चालू रहेगी और दूसरी तरफ कहते हैं बिहार मॉडल लागू किया जाएगा देश में बिहार में MSP और मंडी खत्म कर दी गई है आपको बता दीजिए तो बिहार मॉडल जब लागू किया जाएगा तो MSP कहाँ से चालू रहेगी मुझे समझ में नहीं आता प्रधानमंत्री को कौन सलाह दे रहे हैं या प्रधानमंत्री जी अपने अहंकार में किसान की ताकत को समझ ही नहीं रहे वही बता सकते थोड़ा पिछे देखी करना चाहिए भाई पिछे हाँ जी बेसिक बात यह है कि अभी अभी तो बात यहाँ खड़ी है कि जिस बात को लेकर वो कोर्ट बनाने की बात की जा रही है तो ग्रेट पार्टी जो बात की जा रही है हम उसे ही रिजेक्ट कर रहे हैं उसके बाद तो बाद में आ रही है